हरे ओम बच्चों, मैं हूँ विरोजा, आपका हिंदी अध्यापिका हूँ। आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक पहला पाठ यानी फर्स्ट चैप्टर। पाठ का नाम है बुद्धि का बल, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड। एक छोटी सी कहानी है, किसके बारे में है? आपका बुद्धि के बारे में है। बुद्धि माने हमारे माइंड, हमारे माइंड में होने वाले सोचों के बारे में, हमारा इंटेलिजेंस के बारे में एक छोटी सी कहानी है। इस कहानी में हम जानवरों के बारे में जानेंगे। जानवर कहाँ पर रहते हैं? जंगल पर रहते हैं। इसीलिए यह कहानी कहाँ पर हुआ है? जंगल पर हुआ है। चलो इस कहानी को शुरू करेंगे। कहानी को शुरू करने से पहले हम इस कहानी का इंट्रोडक्शन जानेंगे। यह चित्रकथा एक छोटे से खरगोश के बारे में है, यानी यह स्टोरी एक छोटे से खरगोश के बारे में है। खरगोश माने रैबिट है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके खतरनाक शेर से अपनी जान तो बचाता ही है। यह खरगोश ने क्या किया? उसकी बुद्धि को यूज़ करके, प्रयोग करके खतरनाक शेर से माने डेंजरस लाइन से उसको जान माने उसका प्राण को, उसका लाइफ को कैसा बचा लिया, साथ के साथ जंगल के पूरा जानवरों को भी कैसा कर लिया, इसके बारे में हम इस कहानी में जानेंगे। चलो इस कहानी को शुरू करेंगे। किसी जंगल में एक शेर रहता था। माने शेर कहाँ पर रहता था? जंगल में ही रहता था। क्यों? जानवरों ने कहा रहता था जंगल में रहता था, इसीलिए शेर भी कहाँ पर रहता था? जंगल में रहता था। जंगल का अर्थ है फॉरेस्ट, शेर का अर्थ है लायन। जंगल के सभी जानवर उससे भयभीत रहते थे। ठीक है ना बच्चों, यह सच है, हमको भी मालूम है। जंगल में पूरा जानवरों ने शेर से भयभीत रहता था। क्यों भयभीत हो रहे थे? शेर ने सभी जानवरों को मारकर खाते थे, इसीलिए पूरा जानवरों ने शेर से भयभीत रहते थे। एक दिन सभी जानवर मिलकर शेर के पास गए। कहाँ पर गए? सभी जानवर मिलकर शेर के पास गए, यानी लायन के पास गए। सभी जानवर माने पूरा जानवर। जंगल में शेर के बिना कौन कौन रहते थे? हाथी रहते थे, बंदर रहते थे, भालू रहते थे, खरगोश रहते थे। सभी जानवर मिलकर शेर के पास गए थे। शेर के पास जाकर यह विनम्र बताया है। क्या विनम्र बताया है? हे वन के स्वामी, यह जंगल जानवरों से खाली होता जा रहा है। क्या बताया है पूरा जानवरों ने? हे वन के स्वामी, यह स्वामी का अर्थ है मालिक। मालिक माने ओनर। इस पूरा जंगल का ओनर कौन है? यह लायन है। इसीलिए उसने कैसा संबोधित किया शेर को? स्वामी, स्वामी के नाम से संबोधित किया, माने आपका मालिक है। जानवरों का मालिक कौन है? यहाँ पर शेर है, इसीलिए उसने स्वामी कर को संबोधित किया। वह जंगल जानवरों से खाली होता जा रहा है। क्या विनम्र बताया स्वामी से? यह जंगल पूरा जानवरों से खाली होता जा रहा है। अब यह बात सुनकर शेर ने क्या बताया? तो मैं क्या करूं? माने जंगल पूरा खाली हो जाने से मैं क्या करूं? मैं यदि जानवरों को नहीं मारे तो, नहीं खाए तो मैं भी भूख से, माने मैं भूख से मर जाता हूं। इसीलिए मैं आपको मारना ही पड़ता है, खाना ही पड़ता है, नहीं तो मेरा पेट कैसा भरेगा, यानी मेरा पेट कैसा भरेगा? यह बात ने शेर ने कहा। इस बात को जानवरों ने क्या समाधान दिया? महाराज, हम सभी ने एक उपाय सोच लिया। इसके बारे में ही बताने के लिए आई हूँ, इसमें हम सभी सोचकर एक अच्छा उपाय सोच लिया। आप यदि आप आज्ञा दिए तो, यानी आप परमिशन दिए तो मैं इस उपाय के बारे में बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलो, इसको शेर ने क्या कहा? हाँ बोलो, आप क्या बोलना चाहते हैं वो बोलो, नहीं तो इसमें भी मेरा भला ही रहना है। आप क्या उपाय बोलना पड़ता है उसमें भी मेरा गुडनेस के भी रहता है। भलाई का अर्थ है यह गुडनेस, सोचकर बोलना, मेरा गुडनेस के बारे में ही सोचकर बोलना। सोचना माने यहाँ थिंकिंग, थिंकिंग का सोचना का अर्थ क्या है? थिंकिंग। नहीं तो जानते हो ना मेरे बारे में, आपको जानते हैं मेरा गुडनेस नहीं है, इस
इसमें आप क्या उपाय बोलना पड़ता है, उसमें मेरा भलाई नहीं तो क्या होता आप सभी को मालूम है। मैं क्या करूँगा उसमें आपको क्या होता है, आप सबको जाते हैं, सभी डर कर सहम जाते हैं। यह बात सुनकर पूरा जानवरों ने क्या किया, सहम हो गया, यानी चुपचाप हो गया। उसके बाद ये बोलना चाहते हैं कि हे वनराज, हम लोगों में से एक जानवर प्रतिदिन स्वयं आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे, यानी हम सभी क्या करेंगे, एक एक दिन एक एक जानवर आपके पास ही आ जाएंगे। इससे आप भाग जाना, हमको मारना ये पूरा बंद हो जाएगा। आप आने के बाद एक जानवर नहीं मारेंगे, दो तीन भी मारेंगे, इसीलिए हमारा वन पूरा खाली हो जाता है। इसीलिए हम क्या सोच लिया, एक एक दिन एक एक जानवर को आपके पास भेजेंगे, इससे आप हमको मार कर खा जाएगा, आप भूख भी मिटा सकते हैं। इस बात सुनकर शेर ने क्या कहा, उस मन में सोच लिया, इसी तरह सोच लिया, क्या सोच लिया, अच्छा इससे मेरा गुफा में ही मेरा भोजन मिल जाएगा, इससे मुझे भोजन को खोज पर बाहर जाना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह बात सोचकर शेर ने ऐसा जानवरों को समाधान दिया, ठीक है, लेकिन समय पर आना, लेकिन यह याद रख लो, क्या याद रखना है, समय पर आना है, लेकिन नहीं आए तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, यानी मेरा आहार गुफा को यानी मेरा घर को समय पर नहीं आए तो मैं क्या करूंगी, आपको किसी को भी मैं नहीं छोड़ूंगी, आप सभी को मैं मार कर खा जाएंगी। यह बात बताया, किसने बताया, शेर ने बताया। उसी दिन से क्या होता रहा है, एक एक जानवर ने उसके शेर के पास जाना पड़ता है और उसको आहार हो जाता रहता है। एक दिन क्या हुआ, एक दिन ने उसने खरगोश की बारी आई थी, माने एक रैबिट की बारी आई थी, रैबिट ने उस शेर के पास जाना पड़ता है, उस शेर के पास जाता रहता है। जाते समय क्या हुआ हम अब देखेंगे, आज मारा तो है फिर आराम से जाएंगे। खरगोश ने यानी रैबिट ने क्या सोच लिया, आज तो मैं मर जाना ही पड़ता है, शेर के पास जाको क्या होता है, मैं उसको आहार बन जाता है तो हल्लू जाएंगे, नहीं तो मैं तो थोड़ा आराम लेके मैंने थोड़ा रेस्ट लेके मैं जाती हूँ। खरगोश ने क्या सोच रहा था, आज तो मरना ही पड़ता है लेकिन थोड़ा आराम से जाएंगे, इससे मेरा जान तो बचा पाता है, भगवान से क्या कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, भगवान मुझे बचा लो, या शेर से मुझे बचा लो, मुझे एक राह दिखा, मुझे एक आइडिया दिलाओ, मुझे एक आइडिया आने के बाद मैं शेर के पास जाना चाहती हूँ। रैबिट यह सोचता रहता है, मैं आज मारना ही पड़ता है लेकिन आराम से क्यों ना चलूँ, तो कभी जाए तो भी, जल्दी जाने पर भी नहीं तो लेट से जाने पर भी मैं आज मारना ही पड़ता है, आज मैं शेर का आहार होना ही पड़ता है, इसीलिए मैं आज थोड़ा समय आराम लेकर तब शेर के पास जाएंगे। शेर यहाँ पर गुहा में शेर क्या कर रहा है, यह भूख से तड़प रहा है, माने इधर उधर भटक रहा है, किसके को जानवर के बारे में सोच रहा है, जानवर कब आता है, मैं कब उसको मारना है, कब मैं उसको खाना है, यह सोचकर वह इधर उधर तड़प रहा है। उस भूख से क्रोध से पड़ रहा है, यह तड़प रहे थे समय खरगोश यहाँ पर आया है। खरगोश आने के बाद शेर ने क्या कहा, अरे दुष्ट, एक तो तू इतना छोटा है, तुझे मारकर खाने से मेरी भूख भी नहीं मिटेगी, ऊपर से तू इतनी देर से आया है, अरे दुष्ट यानी
तू दिखने में इतना छोटा है, दिखने में कैसा है, छोटा है। आपको मार कर खाने पर भी मुझे मेरा भूख नहीं मिटेगा। इसके ऊपर आप क्या किया, देरी से माने लेट से आया है, मुझे बहुत गुस्सा आया आपके ऊपर, बहुत गुस्सा आया है। मैं आपको मार मार कर आज खाएंगे। खरगोश रोनी सूरत बनाकर कहता है। इसके बाद इस बात सुनकर खरगोश ने क्या किया, उसका मुख पर रोने की तरह यानी आंसू बनाकर उसका एक्टिंग करना शुरू किया। खरगोश रोनी की सूरत बनाकर कहता है, क्या कहता है, महाराजा इसमें मेरा कोई अपराध नहीं, मुझे रास्ते में दूसरा शेर मिल गया था, उसी ने मुझे रोक लिया था। उसने क्या किया शेर के साथ, महाराजा इसमें यानी यह आने के समय मैं समय पर ही आया, लेकिन इसमें मेरा अपराध तो कुछ भी नया है, मुझे रास्ते में और एक शेर माने एक दूसरे शेर मिला, उसने क्या किया मुझे खाना चाहा, मैंने उससे बचा कर आपके पास तो आ गया। कहाँ है वह दुष्ट शेर जो मेरा राज्य में गड़बड़ी करना चाहता है। इस बात सुनकर शेर ने क्या कहा, वह दुष्ट शेर कहाँ पर है, उस मुझे भी दिखाओ, मैं उससे मार डालूँगा, मेरा राज्य में उसका क्या काम है। इसका मतलब है जंगल में एक एक राज्य को एक ही महाराजा रहता है, एक शेर की महाराजा ही रहता है, एक का जंगल में और एक शेर आना नहीं है, इसीलिए इसका शेर को बहुत गुस्सा आया, मेरा जंगल में वह कौन है आने के लिए, और मैं उससे लड़ाई करेंगे और मेरा जंगल में से बाहर भेज दूंगे। यह बात बताकर खरगोश से बताया, दिखा वह दुष्ट कहाँ पर है। खरगोश ने शेर को एक कुएं के पास माने एक वेल के पास, एक कुएं के पास ले गए और उस कुएं में दिखाया, क्या दिखाया, महाराजा इस कुएं में रहता है वह शेर कहाँ पर रहता है, इस कुएं में माने इस वेल में वह शेर वह लाइन और माने और एक शेर ने इस कुएं में रहते हैं कर को बताया। शेर कुएं में अपने परचाई माने उसकी शाडू को देखकर क्या समझ लिया, और एक शेर उससे कुएं में है कर को समझ लिया, मेरा राज्य में तेरा क्या काम, सभी तो मेरा काम तमाम करता हूँ, तमाम करना का मतलब है मैं आपको मार डालूँगा, मैं मेरा राज्य में आपको क्या काम है, यह बताकर उसने क्या किया, उसमें छलांग लग दिया, छलांग लगना माने कूद लिया, कूदना माने उस कुएं में उसने जंप कर दिया। इससे शेर कुएं में कूद तो फिर बाहर निकलने का वापस नहीं आने का मौका भी नहीं है, माने कुएं बहुत अंदर रहते हैं माने वेल वेरी डीप रहता है, इसीलिए वह एक छलांग से उसमें कूद लिया माने जंप कर दिया, इसीलिए उसने बाहर आने का कोई मौका नहीं मिला, माने वो कुएं के अंदर ही मर गया, कौन शेर ने उसे कुएं के अंदर ही मर गया। उसके बाद क्या हुआ, सभी जानवर ने बहुत खुशी हुआ और खरगोश को भी बहुत प्रशंसा करने लगे हैं, यानी शेर के मर जाने के बाद सभी जानवरों ने बहुत खुशी कर लिया और खरगोश को भी बहुत प्रशंसा कर लिया। इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है, अत्याचारी का अंत बहुत बुरा होता है, माने हमें किसी को भी नहीं दुख नहीं देना चाहते हैं, हमें किसी को दुख देना है न तो दंड देना है, उसके ऊपर अत्याचारी करे तो क्या होता है, हमारा अंत भी बहुत बुरा होता है। इस कहानी में शेर का अंत बहुत बुरा है ना, इसी तरह हमारा अंत भी बहुत बुरा रहता है, यानी दूसरों को हमें कभी भी नहीं क्या बुराई नहीं करना चाहते हैं, हमें किसी को भी कभी भी सहायता करना पड़ता है, सहायता करने से हमको भी सहायता मिलते हैं, नहीं तो हमको कौन भी नहीं सहायता करती है। इसी तरह हमारा यह इसी कहानी में हमको यह भी पता चलता है, बॉडी
से भी बुद्धि का बल बहुत महत्व है, यानी बॉडी रहने से कुछ भी नहीं कर सकते, हमें इंटेलिजेंट के साथ कभी कर सकते किसी काम को भी, हमें किसके साथ कर सकते, इंटेलिजेंट के साथ हमें कर सकते हैं। इस कहानी हम सबको मालूम है, हमारे छोटी कक्षाओं में यह कहानी आ गई है। आपको यह कहानी और एक बार मैं पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुनिए। किसी जंगल में एक शेर रहता था। जंगल के सभी जानवर उससे भयभीत रहते थे। एक दिन सभी जानवर मिलकर शेर के पास गए। हे वन के स्वामी, यह जंगल जानवरों से खाली होता जा रहा है, तो मैं क्या करूं? यदि मैं जानवरों को ना मारूं तो मेरा पेट कैसा भरेगा? महाराजा, हम सभी ने एक उपाय खोजा है, यदि आज्ञा हो तो कुछ कहूं। हाँ बोलो, मेरी भलाई के बारे में ही सोचकर बोलना, नहीं तो जानते हो मैं क्या करूंगा। सभी डरकर सहम जाते हैं। अच्छा ही है, अब गुफा में ही भोजन मिल जाएगा, भोजन की खोज में इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन समय पर आना, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन खरगोश की बारी आई। आज मारना तो ही है, फिर आराम से क्यों ना चलूं? काश मैं अपनी जान बचा पाता। हे भगवान, आप तू ही राह दिखा। शेर भूख से तड़प रहा था, खरगोश के देर से आने से वह क्रोधित हो उठा। अरे दुष्ट, एक तो इतना छोटे है कि तुझे मारकर खाने से मेरी भूख भी नहीं मिटेगा, ऊपर से तू इतनी देर से आया है। खरगोश रोनी सूरत बनाकर कहता है, महाराज, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। अपराध का अर्थ है मेरा मिस्टेक, मुझे रास्ते में दूसरा शेर मिल गया था, उसी ने मुझे रोक लिया था। कहा है वधिष्ठ शेर जो मेरे राज्य में गड़बड़ी करना चाहता है। खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया। महाराज, इस कुएं में रहता है वह शेर। शेर कुएं में अपनी परछाई को ही दूसरे शेर समझकर जोर से गरजा। परछाई का अर्थ है शाड़ो, गरजना माने रोरिंग। मेरी राज्य में तेरा क्या काम? अभी मैं तेरा काम तमाम करता हूँ। तमाम का अर्थ है यहाँ मारना। यह कहते हुए शेर ने क्या किया, कुएं में छलांग लग दिया। छलांग का अर्थ है जंप करना। उसने यह बात बताकर उस शेर को मारने के लिए उस कुएं में छलांग कर दिया। शेर कुएं में कूदना फिर बाहर ना निकला। सभी जानवर बहुत खुश हुए और खरगोश की प्रशंसा करने लगे। माने खरगोश उस बुद्धि के उपयोग करके क्या किया, उसका महाराज यानी शेर को ख़त्म कर दिया और सभी जानवरों को बचा लिया। किससे बचा लिया? शेर से सभी जानवरों को बचा लिया। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिली है। क्या शिक्षा मिली है? अत्याचारी का अंत हमेशा बुरा होता है, इसीलिए हम सभी को सहायता करना पड़ता है। हम इस कहानी को ध्यान से पढ़कर इसका कठिन शब्द भी लिखे। मैं अगले सेशन में आपका इसका अभ्यास पुस्तिका यानी नोटबुक दे देंगे। हरिओम, धन्यवाद।